अभी अभी द बॉयज सीजन 4 देखकर खत्म किया है यार। एंड मैन ब्रेस योरसेल्फ, ये शो बॉयज के लिए है ही नहीं। अगर बच्चे हो चले जाओ, इस शो को गलती से भी मत देख लेना। ये शो मैन कैटेगरी के अंदर ही आता है, जिसके सीजन 4 में यार टोटल 8 एपिसोड्स आए हैं एंड फिनाले आज ही आया है। सो लेट्स रिव्यू द होल शो विदाउट एनी स्पॉयलर्स। तो बुचर जो जन्मों जन्मांतरों से कोशिश कर रहा है बस कैसे भी कर होमलैंडर की पर लैंड करने का एक तमाचा, क्या इस सीजन में फाइनली सक्सेसफुल हो पाएगा? वेल, इसकी स्टोरी सीजन 3 के बाद से ही ऑफकोर्स स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं विक्टोरिया न्यूमैन, होमलैंडर चच्चा एंड बुचर के बीच। एंड होमलैंडर यार इस सीजन में ऐसा बखाल मचा रहा है कि सीरीज को 18 प्लस रेटिंग नहीं 69 प्लस रेटिंग देने की जरूरत हो जाएगी। फुल ऑन वॉयलेंस भाई पागल हो चुका है, फुल आउट ऑफ कंट्रोल। जो भी ऑन स्क्रीन इसके सामने आएगा तुम दया मांगोगे, फियर को तुम खुद फील करोगे कि ये तो गया भाई, रेस्ट इन पीस इन एडवांस। तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द लोग होमलैंडर के साथ हैं, बट कुछ खिलाफ भी हैं। खिलाफ वाले नॉट सो सेफ एंड बुचर भी अपनी जिंदगी की आखिरी कुछ सांसें गिन रहा है। सो बुचर की लाइफ में यार बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो फुल टू प्रेशर में रहता है। वो वाला प्रेशर नहीं, उसमें तो वेब वीवर रहता है, जिसके सीजन्स यार इतने फनी होने वाले हैं ना कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। बट बुचर का प्रेशर, वेल उसको अब बॉयज गैंग में वो इज्जत नहीं मिलती, उसका बेटा स्टेपसन उसको भाव नहीं देता। तो क्या अब ये महान पुरुष भी अपनी इंसानियत कहीं ना कहीं खो देगा एंड फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? प्लस इस सीजन में फाइनली अब स्टार लाइट एंड हुई का मूवमेंट भी दिख जाएगा। इफ यू नो यू नो। तो द बॉयज की जो टीम बिखरी हुई है, क्या वो होमलैंडर सरकार से मुकाबला कर पाएगी? यही आपको सीजन 4 में देखना है। द वर्डिक्ट इज प्रेटी सिंपल, द बॉयज वाली सेम दुनिया है जिसको मैन देखे तो ही ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि फुल टू वॉयलेंस। ऐसा खून खराबा कि यू विल बी लाइक अब और क्या दिखाएंगे यार, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट रह गया जिसकी अभी इन्होंने चीड़ फाड़ नहीं करी। पास्ता एक गुर्दा से लेकर इंटेस्टाइन नूडल्स तक सब दिखने वाली है। एंड इस सीजन के अंदर तो यार अगर मर्द हो बहुत दर्द होगा। खत्म कर दिया यार। सो या सेम वही डिस्टर्बिंग मामला है जिसको तुम खाते वक्त नहीं देख सकते, बट दैट्स व्हाट बॉयज इज, जो इसको फन बनाता है। तो सेम फॉर्मूला इसमें भी फॉलो किया है, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ऑल्दो सीजन 4 के यार 3 स्टार्टिंग के एपिसोड्स मुझे थोड़े फीके लगे, थोड़े स्ट्रेची लगे, बट उसके बाद जो इन्होंने परोसा है ना भाई, सो इन टोटल एकदम वाइल्ड मामला कर दिया है। बट स्टिल मुझे इसका क्लाइमेक्स ज्यादा पसंद नहीं आया। इट कुड बी मच बेटर, बट डोंट वरी, फील हैप्पी, सीजन 5 भी आएगा। स्टोरी इज नॉट कंप्लीट माय फ्रेंड्स, एंड हमारा रिश्ता, आर कनेक्शन कंप्लीट कर दो सब्सक्राइब कर। अलविदा।